ये कुछ बच्चों ने मुकोटे बनाए हैं जिससे वो उनको पता चल सके, और इससे मुकोटों से हम रोल प्ले भी करवा सकते हैं बच्चों को, एक एक्टिंग वगैरह कोई प्ले वगैरह बच्चे इसमें अपने मुंह पे लगाते हैं और वैसी ही एक्टिंग जैसे हमारे लेसन में होती है वैसी एक्टिंग वो करते हैं, जो जिससे हम उनको बता सके क्या है ये वर्णमाला है हमारी, जो प्राइम जो फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, बच्चों को हम एक लंबा डंडा देके उनसे पढ़वा सकते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं वर्णमाला के द्वारा हम उनको डेली आगे जब बच्चे इसको देखते हैं तो काफ़ी फ़र्क उन्हें महसूस होता है, वो इसके डेली रूटीन की जो वर्णमाला है वो डेली देख के कर सकते हैं। ये बच्चों के द्वारा 15 अगस्त को हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो बनाया गया है, अल्फाबेट का चार्ट है वो बच्चों ने बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है बच्चों ने। देखो एक कैटरपिलर का यूज़ करते हुए A to Z कैसे वो जाएगी, बच्चे बता सकते हैं कि बाद क्या आएगा, बी के बाद क्या आएगा, और ऐसे हम उनको हाइड भी कर सकते हैं कि बी से पहले क्या आएगा, ए से पहले क्या आता है, या फिर बीच के दो लेटर्स को हम हाइड कर देंगे, बताओ बीच में क्या आता है, कुछ ऐसा कार्ड लगा देंगे बच्चों से पूछो बताओ सी के बाद क्या आता है, तो काफ़ी एक्टिविटी हम उनसे करवा सकते हैं। ये हमारा भीम का चार्ट है, ये 4th-5th क्लास के लिए यूज किया जाता है और बच्चों को बता सकते हैं कि भीम क्या होता है, पूरा पूर्णिमा के जो पार्ट होते हैं उनके बारे में हम बता सकते हैं। यहाँ पे रोमन नंबर्स है, तो बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से रोमन नंबर्स का यूज किया हुआ है, ये रोमन नंबर्स का हमारा चार्ट है। ये कुछ हट हैं जो लेसन में आती हैं, ये सम विषम संख्याएं होती हैं उनके बारे में बच्चों ने बताया, जैसे इस गोले के अंदर जो संख्या आएगी वो बच्चों से पूछी जाएगी कि बताओ बच्चों ये सम संख्या है कि ये विषम संख्या है। उसके बाद ये अपोजिट वर्ड का चार्ट है, ये भी बच्चों ने बनाया है, उससे हम डेली उनसे पढ़वा सकते हैं, बच्चे देख सकते हैं कि किस वर्ड का क्या अपोजिट है। उसके बाद मात्राओं का ज्ञान फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है, टीचर इसको ऐसे मोड़ भी सकता है और ऐसे दिखा भी सकता है, इसके बाद क्या आएगा, अंक के बाद क्या आएगा तो बच्चे बता सकते हैं, इससे पहले क्या आता है तो बच्चों को पता होता है कि सीक्वेंस भी कैसे कैसे आते हैं। फिर हमारे आते हैं पर्यायवाची शब्द, क्या है एक एक बच्चे से हम उनके राज्य और उनकी राजधानियों के बारे में जान सकते हैं बता सकते हैं। ये हमारा वाटर साइकिल है, ये हम 3rd, 4th, 5th के बच्चों को बता सकते हैं कि कैसे हमारा जो पानी है वो धरती से और फिर भाप बनता है जाता है आसमान में, फिर बारिश बनती है फिर वो धरती में नीचे आ जाता है और वो तालाबों वगैरह में चला जाता है। ये माई साइंस का ऐसे हम बच्चों को करा सकते हैं, ये बच्चे के सामने जो आता है वहाँ पे इसको बच्चे को अपना नाम फिल करना होता है, फिर ऐसे हम रोटेट करते जाते हैं, जैसे माय नेम इज, फिर आई एम ए बॉय है तो बॉय, फिर गर्ल है तो गर्ल, उसके बाद आई रीड इन, कौन सी क्लास में बच्चा पढ़ता है, फिर कौन से स्कूल में बच्चा पढ़ता है, ऐसे हम एक्टिविटी के थ्रू बच्चे को माई सेल्फ का जो कम्प्लीट ऐसे है वो सिखा सकते हैं। और उसके बाद है ये मात्राएँ, नीचे है वो मात्राएं बनाई गई हैं, अंक की मात्रा है की मात्रा, ज़्यादातर बच्चे इन मात्राओं में कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी अंक की मात्रा है कौन सी अह की मात्रा है, तो इससे हम उनको मात्राओं का ज्ञान दे सकते हैं और बच्चे रोज इनको देखेंगे तो उनको याद भी रहता है, सामने जब बच्चों के सामने चीज़ें रहती है तो याद रहता है। विलोम शब्द हैं, विलोम शब्दों से बच्चों को छोटे बच्चों को हम थोड़ा थोड़ा दिखा के और समझा सकते हैं। यहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम है, हमारी जो पृथ्वी है सूरज है वो हमारे जो ग्रह हैं अलग ग्रह की स्थिति है वो इसमें दिखाई देती है, सूर्य से उनकी कैसे कैसे दूरी है, कौन सा ग्रह सबसे पहले है, कौन सा ग्रह सबसे सूरज के नज़दीक है, और ऐसे है हमारी अर्थ है वो पृथ्वी है वो कहाँ है वो भी बच्चों को बताया गया। ये हमारा वोल्केनो है, इससे एक एक्टिविटी कराई गई थी, मैम ने बच्चों को बताया था कैसे ज्वालामुखी है वो कैसे फटता है कैसे निकलता है, तो बच्चों के द्वारा ही और मैम के सहयोग से ये एक्टिविटी है बहुत अच्छी एक्टिविटी करवाई गई थी, जिससे बच्चों को ज्वालामुखी के बारे में पता चल सके कि कैसे ज्वालामुखी होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा पुराने ज़माने का वो दिखाया गया कि पुराने टाइम में हम पानी है वो नल से पानी कैसे खींचते थे, नल से नहीं कुएं से पानी कैसे निकालते थे, एक रस्सी होती थी बाल्टी होती थी फिर घिरनी होती थी उससे हम यूज़ करके फिर उसको पानी निकालते थे,
अब आता है हमारा गणित का खेल। गणित के खेल से देखो, ये बच्चों से ही हम एक्टिविटी करा सकते हैं, ऊपर नीचे करा सकते हैं, फिर इकाई नीचे लिखा दहाई सैकड़ा हजार ऐसे हम बना सकते हैं। इकाई में मान लो एक है तो एक हो जाएगा, दहाई में कितनी संख्याएं हमने ली, जैसे हमने एट पे कर दिया तो ये 80 हो गया, एट तो ये अगर हम दोनों का बनाएंगे तो ये 81 हो जाएगा। तो ऐसे बच्चों को इकाई दहाई समझाई जा सकती है। अब बच्चों ने अपोजिट वर्ड बनाए हैं, ये बच्चों ने बहुत अच्छा बनाया है ये घड़ी। इससे हम बच्चों को समय के बारे में जानकारी दे सकते हैं कि कौन सा समय कितने बजे, हम अपने स्कूल के टाइम से शुरू करते हैं, हमारा स्कूल कब लगता है बच्चों से पूछा जाता है, तो डेली रूटीन में उनसे बताया जाता है कि 8 बज गए तो पहले 8 बज के 8 कितने बजे कौन बच्चा धन लाता है उससे ये पूछा जाता है। फिर बच्चा अपने आप इस घड़ी को रोटेट करके और समय संबंधित जानकारी है वो प्राप्त करता है। बहुत अच्छा बच्चों के द्वारा बनाया गया है। और ये है जो कूलर बनाया गया, बच्चों ने बहुत अच्छा बनाया है। ये बिजली का जब इसमें लगाते हैं, मोटर वगैरह पीछे लगाते हैं, बैटरी वगैरह लगाते हैं, देखो हाँ, ये वेस्ट मटेरियल का यूज करके बच्चों द्वारा बनाई गई एक्टिविटी है। इससे देखो कूलर चल रहा है, ये बच्चों ने ही बनाया है ये सारी चीजें। तो आप सब पेरेंट्स भी बच्चों को मोटिवेट कर सकते हो, ये चीजें वेस्ट नहीं होती, बच्चे कुछ भी बना सकते हैं। आगे चल के आपका बच्चा किसी और फील्ड में भी जा सकता है, तो बच्चों को कुछ बनाने का मौका भी मिलता है। तो ऐसे बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, घर में भी वो बना सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बच्चे बनाते हैं। देखो बच्चों के द्वारा ही कुछ गुड़िया बनाई गई है, बच्चों ने ही बनाया। देखो ये मटकी होती है।